Hello everyone, so we are solving NCERT questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance. So our fifth question is, which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication? Explain. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है. तो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा वो प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है वो थी, पहली कॉम्प्लीमेंट्री रूल एंड सेकेंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन. कैसे? लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लेन. तो ये है बेटा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन पोर्ट, यानी वो स्ट्रक्चर जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. और हमें पता है कि जो डीएनए होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी होगा एंड सो ऑन. यानी ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड करेगा, यानी ए के सामने हमेशा टी होगा और जी के सामने हमेशा सी होगा और वाइस वर्सा. अगर हमें यहाँ पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस चाहिएंगे जिनके अकॉर्डिंग ही हमारे नए सीक्वेंसेस आएंगे और हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ए होगा तो नए स्ट्रैंड में यहाँ पर टी आएगा, अगर यहाँ पर सी होगा तो नए स्ट्रैंड में यहाँ पर जी आएगा. तो इसके लिए हमें एक पुराना स्ट्रैंड चाहिएगा जिसका सीक्वेंस रीड कर ही हमारा नया सीक्वेंस बनेगा. तो इससे हमें समझ आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेसिस पर ही नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि जो नया डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला आ रहा है और एक स्ट्रैंड नया आ रहा है. क्लियर? अब सेकंड प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल डायरेक्शन. सपोज यहाँ पर है 5 प्राइम एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एंटी पैरेलल डायरेक्शन 5 प्राइम के सामने आएगा 3 प्राइम एंड. तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्राइम एंड और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्राइम एंड. अब अगर यहाँ पर इस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पर जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा, हमें पता है कि नया डीएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है. तो यहाँ पे उस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड आना चाहिए. अब ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे ऑलरेडी एक एंड प्रेजेंट होगा, उसी एंड के अकॉर्डिंग हमारा नया स्ट्रैंड आए. सो आई होप आंसर इज क्लियर टू यू. In next video, we will solve the next question. Thank you.